ताकि कोई जान न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे इकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। सारा वतन साथियों पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के फरमान अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकर पर अमल करेंगे। हम हमेशा हक के साथ खड़े होंगे और बातिल को रद्द करेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अपनी इज्जत नफ्स, अपनी पाकिस्तानियत, अपनी खुदमुख्तारी, अपनी खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह हकीकी आजादी हासिल करेंगे। हम सब हलाली परचम तले यकजा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं एंटी इंडियन हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं इंसानियत, दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसलिए मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं। इलाके को हमने उजाड़ दिया, 35 लाख लोग कबायली इलाकों से नकल मकानी की और कई कराची में आ गए। पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। ड्रोन अटैक्स में एक दफा स्कूल के बच्चे, 60 स्कूल के बच्चे मर गए। कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की,
तो मेरे से जब क्या गिला है अमेरिका को, मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको यह कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। के साथ हूं, मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन।